इस ब्रिज का सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि ऊपर पंखा लगा हुआ है। अभी मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं कितना पंखा लगा हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 पंखा लगा हुआ है ऊपर की साइड में। तो आप लोग सोच सकते हो जस्ट एक ब्रिज है, रास्ते से घर तक आने का एक रास्ता है। 2 से 2.5 लाख रुपया खर्च हो चुका है इस ब्रिज को कम्प्लीटली बनाने में। तो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू, आई होप आप सारे भाई लोग अच्छे होंगे। तो यार गाइस, आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ हमारा आसाम में सबसे पॉपुलर प्राइवेट ब्रिज। जल्दी से मैं ये वाला टी शर्ट पहन लेता हूँ, अभी नहीं रोता, ज्यादा ठंडा भी नहीं है, जस्ट एक टी शर्ट पहन लूंगा तो हो जाएगा। जो ब्रिज मैं आप लोगों को आज दिखाने वाला हूँ, उस ब्रिज में जाने के लिए मेरे को बाइक भी नहीं चाहिए और दूसरा गाड़ी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे घर से कितना दूर है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये वाला मेरा घर है, व्हाइट कलर का कुछ जो आप लोगों को दिख रहा है सामने वही है वो ब्रिज। ब्रिज तक जाने के लिए 30 सेकंड से 35 सेकंड तक लगता है। ये वाला मेरा मामा का घर है और इस ब्रिज के बारे में मैं आप लोगों को इसीलिए बताना चाहता हूँ, दूर दूर से लोग आके ना यार इस ब्रिज में एल्बम वीडियो शूटिंग करके ले जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारा ब्लॉग बना हुआ है, बहुत सारा फेसबुक वीडियो बना चुका है इस ब्रिज में आके। ये है प्राइवेट ब्रिज, पर्सनली एक घर जाने के लिए एक बंदे ने बनाया है। तो चलो अंदर जाता हूँ। इस ब्रिज का ना यार बहुत सारा खासियत है, मैं आप लोगों को एक एक करके सब कुछ बताऊंगा। जैसे कि हम लोग जिस घर में रहते ना सेम टू सेम उसे एक घर है और घर में आना जाना करने के लिए ऐसा ब्रिज बना चुका है। फिलहाल घर में कोई नहीं है, अभी मैं आप लोगों को एक एक करके दिखा देता हूँ और मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा ये वाला जो ब्रिज है इतना ज्यादा फेमस क्यों है लोगों के अंदर। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप में से जितने भी लोग इस ब्रिज का वीडियो ऑलरेडी देख चुका है ना, आप लोग घर का वीडियो नहीं देखा है, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को घर से लेकर ब्रिज टोटली दिखाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं घर से। तो घर की एंट्री साइट है, ब्रिज से आने के बाद कुछ इस तरह का नजारा है। यहाँ पर कुछ प्लांट्स लगा हुआ है जो कि रियल प्लांट्स है, कोई फेक नहीं है, प्लास्टिक का नहीं है। और घर का नजारा कुछ इस तरह का है, आप लोग देख सकते हैं घर के अंदर भी प्लांट्स लगा हुआ है बहुत सारा। इस घर में जस्ट एक ही बंदा रहते हैं, यहाँ पर एक घर है जो कि बिल्कुल खाली रहते हैं और यहाँ पर एक घर है। तो इस घर में 2 रूम है, अंदर भी जा चुका हूँ। जस्ट ये जो रूम है ना ये मेन रूम है जहाँ पर एक बंदा जो रहते हैं वो बंदा इस रूम में रहते हैं, बाइक रखने का रूम है। अभी आप लोग अंदाजा लगाना थोड़ा सा, मेरे सामने है ब्रिज और ब्रिज के अंदर आते है घर का नजारा, ठीक है। और एक घर का नजारा मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ। अभी घर के पीछे की साइड में छोटा सा गार्डन जैसा है, थोड़ा सा गार्डन का नजारा दिखा देता हूँ। यहाँ पर भी दरवाजा लगा हुआ है और यहाँ पर रियल कुछ प्लांट्स लगा हुआ है जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। ब्रिज के बाहर से मैं आप लोगों को थोड़ा सा फिर से दिखा देता हूँ, ये ब्रिज का नजारा है। और ऐसे का मैं अभी आप लोगों को जिस तरह के दिखा रहा हूँ इस तरह के कोई भी अभी तक नहीं दिखाया है। और यहाँ पर प्लास्टिक का कुछ बाल्टी जैसे दिख रहा है, रियल प्लांट्स लगा हुआ है वहाँ पर भी। यही बात खत्म नहीं होता है, अंदर भी कुछ ऐसा सीन है, ऐसा कुछ चीजें है जो कि लोकल लोग है ना तो इन लोगों को भी हैरान कर देते हैं, और बाहर से कोई लोग आते हैं तो वो लोग भी और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो चलो यार एक एक करके बात करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले इस ब्रिज का जो खास बात है, टीन से छत लगाया है और ये जो प्लास्टिक की मैं बात कर रहा था वहां से मैं आप लोगों को दिखाया, यहाँ पर देखो यार रियल प्लांट लगा हुआ है। और ये जो है ना कार्ड से लगा दिया है, पहले था बांस का और अभी कार्ड से लगा दिया है। अब दूसरी बात, लुक्स वाइज थोड़ा अट्रैक्टिव करने के लिए नीचे कार्ड लगा हुआ है। ये तो गया एक सेक्शन, अभी दूसरा सेक्शन मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर कार्ड से नीचे का हिस्सा बना दिया ना, और इसके नीचे भी ये वाला तो एक सेक्शन है, आप लोग देख सकते हो ये वाला एक सेक्शन है, और इसके नीचे भी एक सेक्शन है जो कि बांस से लगाया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अच्छी तरह दिखाई दे रहा है। तो ये भी एक दूसरी बात होता है इसको लुक्स वाइज थोड़ा मजेदार करने के। और तीसरी बात, यहाँ पर देखो चाहता तो यार इस ब्रिज को ना यार प्लेन बना सकता था, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए यहाँ पर देखो सीढ़ी जैसे बना दिया। यहाँ तक तो यार इसका हाइट कुछ अलग है, लेकिन जब भी हम यहाँ आते हैं तो यहाँ से देखो इसका हाइट बढ़ जाते हैं। इस ब्रिज का सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि देखो यार ऊपर पंखा लगा हुआ है, अभी मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं कितना पंखा लगा हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पंखा लगा हुआ है ऊपर की साइड में। तो आप लोग सोच सकते हो जस्ट एक ब्रिज है, रास्ते से घर तक आने का एक जस्ट एक रास्ता है, और इस रास्ते को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, मजेदार बनाने के लिए जस्ट लोगों को दिखाना है, बस इतना ही, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं है इसके अंदर। जस्ट इतने के लिए भैया देखो कितना खर्चा कर चुका है, जहां तक मेरे को पता चला, जहां तक मैं सुन चुका हूँ तो 2 से 2.5 लाख रुपया खर्च हो चुका है इस ब्रिज को कम्प्लीटली बनाने में। फर्स्ट टाइम जब इस ब्रिज को बनाया था तो उस वक्त बाहर से ही कम्प्लीटली बना दिया था, लेकिन उसके बाद इसको डिजाइन किया गया, और ये मैं किसी से सुन के नहीं बल्कि मैं खुद देखा हूँ। तीसरे पॉइंट में मैं बात करूंगा इसको लेकर, देखो यार यहाँ पर बाहर से ना यार कितने मजेदार तरीके से साइड से भेड़ लगा दिया, देखो यार कितना मजा आ रहा है देखने में। अगर सिनेमेटिक सीन बनाऊंगा ना तो यार बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो चलो मैं अभी आपको बाहर से मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा। देखो यार मैं आप लोगों को वहां से दिखाया नीचे का सेक्शन, बाहर से कुछ इस तरह का दिखने में लगता है, लेकिन आप लोग जब रियल में देखोगे ना तो यार बहुत ज्यादा मजा आएगा, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा ये वाला ब्रिज। और रात की बात ही तो कुछ और है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये है कम्प्लीटली ब्रिज में, म्यूजिक लाइट लगा हुआ है, रात में सब कुछ
चला देते हैं। आई थिंक अभी आप लोग थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा लोग स्वास्थ्य मजेदार लगता है। बाहर की साइड में एक पर्दा लगा हुआ है, रास्ते तक चले जाता हूँ ना, फिर भी मेरे को लगता है कि मैं घर के अंदर ही हूँ अभी तक। यही था कुछ बात है जिसकी वजह से ये वाला ब्रिज इतना ज्यादा फेमस है। और मैं आप लोगों को फर्स्ट टाइम भी बता चुका हूँ, ये जस्ट एक प्राइवेट ब्रिज है और ये इतना ज्यादा फेमस हो गया ना, सोशल मीडिया में जो भी वीडियो बनाते हैं वो सब वीडियो वायरल हो जाते हैं। ये वाला ब्लॉग पिछले कुछ ब्लॉग से अलग टाइप का था। अब में से जितने भी लोग एक महीने से वीडियो देख रहे हो, मेरा ब्लॉग देख रहे हो ना, उन लोगों को पता होगा पिछले एक महीने से मैं किस टाइप का ब्लॉग बना रहा हूँ। लेकिन ये जो ब्लॉग है ये उन सब वीडियो से, उन सब ब्लॉग से थोड़ा डिफरेंस टाइप का था। आज के ब्लॉग के एंड मौके तक आके पहुंच गया हो। आई होप ये वाला ब्लॉग आप लोगों को जरूर पसंद आया है। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो फटक से दबा दो लाइक बटन को, और शेयर नहीं किया तो फटक से शेयर कर दो। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए शुक्रन, माशाल्लाह एंड टेक केयर। तब तक के लिए टाटा बाय।